मैम वी आर लाइव नाउ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। हेलो एम आई ऑडिबल? यस मैम यू आर ऑडिबल। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं संगीता कार्लेकर आज की संगोष्ठी की संयोजक एवं इस संस्था की क्रीड़ा अधिकारी। आज की संगोष्ठी में उपस्थित समस्त सम्मानीय अतिथियों एवं प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की संगोष्ठी की मुख्य वक्ता जो कि एक कुशल वक्ता भी हैं एवं एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं जिन्हें शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों का अनुभव है, डॉक्टर पूनम कौशिक जी, क्रीड़ा अधिकारी के पद पर कस्तूरबा रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ कस्तूरबा ग्राम दौर में कार्य सहज रूप से स्वीकारा। आज की संगोष्ठी के अध्यक्ष एवं महाविद्यालय की जीवन शक्ति का आधार नवाचार्य डॉक्टर अनिजवाल सर, वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर अनीता मनचंदिया, समस्त सम्मानीय प्राध्यापक गण, मेरे सहकर्मी एवं प्रतिभागी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। आज हमारे महाविद्यालय के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हम आज एक बहुत ही प्रासंगिक विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन दिस सिनेरियो। आज के परिदृश्य में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्ता। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह वेबिनार शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। शारीरिक शिक्षा की परिकल्पना मनुष्य के लिए नई नहीं है। फिजिकल एजुकेशन हैज इट्स रोल इन द पास्ट, इट्स मीनिंग चेंजेस ड्यूरिंग वेरियस सिविलाइजेशन। फिजिकल एजुकेशन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन, बट स्टिल दिस टर्मिनोलॉजी इज मिसअंडरस्टूड कंफ्यूज्ड। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, इट इंक्लूड्स साइंस आर्ट्स। फिजिकल एजुकेशन इन इट्स मॉडर्न कंसेप्ट नॉट ओनली कन्फाइंड टू सम फॉर्म ऑफ ड्रिल एंड एक्सरसाइज, इट हेल्प्स इन फिजिकल मेंटल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि नई शिक्षा नीति के तहत शारीरिक शिक्षा स्नातक स्तर पर इस वर्ष से एक वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक प्रक्रियाओं की शिक्षा है जिसमें विद्यार्थी शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास होता है, सौंदर्य में वृद्धि होती है, रोगों का निवारण होता है। यह शिक्षा मनुष्य क्रमबद्ध विकास के साथ सभ्यता के विकास में भी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि ए हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। शारीरिक शिक्षा आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी जरूरी है एवं क्यों महत्वपूर्ण है, इसी विषय पर विचार मंथन करने हेतु आज का वेबिनार आयोजित है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर नीता तपन, IQSE कोऑर्डिनेटर एंड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन टू गिव इंट्रोडक्टरी रिमार्क अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन। ओवर टू डॉक्टर नीता तपन मैडम। A very good afternoon to you all. Government Girls PG College Ujjain has been a premier institute of higher education of Government of Madhya Pradesh affiliated to Vikram University Ujjain, contributing to the education of girls since 1958. It has been accorded the status of Center for Excellence among the chosen 8 icon colleges of the state of Madhya Pradesh by the Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh. It was one of the pioneering institutes in the nation which voluntarily presented itself for NAAC accreditation as early as in the year 2004 and earned an A grade
It again appeared for the second cycle reaccreditation in the year 2016 and once again earned an A grade with 3.19 CGPA. It is a multi-faculty college with arts, science, commerce, and home science faculties with post-graduation in all faculties and 5 research centers and 8 self-financed courses. An amount of rupees 11 crore has been approved for the institute under the Institutional Development Plan, Madhya Pradesh Higher Education Quality Improvement Program, World Bank Scheme. It has also been approved 2 crore under the Rashtra Uchchatar Shiksha Abhiyan. The college has had a consistent tradition of organizing seminars, conferences, workshops, and extension lectures to enrich the teaching learning pedagogy and research outcome was transformed into a historic series of webinars post-COVID-19. Today also, Department of Physical Education of our college is organizing a webinar on an important theme which impacts not just learning, but health, well-being, and life. Global evidence reveals that participation of students in sports has the potential to prevent disease, increase college attendance, improve cognitive abilities, and build skills that promote employment and economic development. These benefits help empower individuals, which further fosters the socioeconomic development of communities. Moreover, participation and excellence in sports brings laurels to the state and nation. The NEP 2020 recognizes that sports integrated learning undertaken in education will help students adopt fitness as a lifelong attitude and achieve related life skills along with the levels of fitness as envisaged in the Fit India movement. Further, emphasis on physical education will help develop and promote rural and indigenous tribal games, which will make learning more relevant to these communities. So, before I rest my words, I proudly bring this fact to the knowledge of all the participants that this webinar is being organized by Mrs. Sangeeta Karlekar, jo sirf instructor ya sports teacher nahi, balki swayam bhi ek kushal khiladi hain. Unka 30 सितंबर को होने वाली सिविल सर्विसेज की राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता हेतु मध्य प्रदेश दल में चयन हुआ है. Now, I heartily extend welcome on behalf of IQAC and Department of Physical Education to our esteemed invited guest speaker, Dr. Poonam Kaushik, Sports Officer, Kasturba Gram Rural Institute, Indore, and the delegates of this yet another very useful and relevant program in the context of NEP 2020. Thank you. Now I hand over the program proceedings again to the compeer, Mrs. Sangeeta Karlekar. Thank you. Thanks, Dr. Neeta Tappan, Madam, for your valuable and brief introduction about this institution. Thanks a lot, Madam. Taking the program ahead, I would like to invite Ms. Utkarsha Paul, a talented student of BSc second year of this institution, who is a very good player of hockey and badminton, to introduce our distinguished speaker, Dr. Poonam Kaushik. Over to you, Utkarsha. Thank you so much, ma'am, for this opportunity to speak on this platform. Hello and good afternoon to everyone. On behalf of your college, I am Utkarsha Paul, student of BSc, second year state of this prestigious institution. Feel extremely honored to introduce today's guest speaker, Dr. Poonam Kaushik, sports officer, Kasturba Gram Rural Institute, Kasturba Gram, Indore. It is such a privilege to have her on this platform as a guest speaker, a well-known personality in the field of physical education. Here I am giving a brief introduction of such a great personality, Dr. Poonam Kaushik, ma'am, whose objective is to promote physical education and sports in rural India, through which we can bring out the hidden sport talent and make our country a fit nation. Ma'am completed her bachelor as well as master's from Lakshmi Bai National College of Physical Education, Gwalior. PhD in physical education, Jivaji University in 1996. Also qualified UGC NET, did teacher's training certificate course in yoga, Lonavala, Maharashtra, and summer training course in athletics coachings. Then she joined as a sports officer and HOD of Physical Education Department at Kasturba Gram Rural Institute in 1999. Included
in physical education as a subject in the institution in 2005 and teaching till date, fulfilling the responsibility of a teacher, a coach, and an administrator, along with other charges given by the institution, appointed as IQSC coordinator of the institute since 2013 till date. Her additional skills like participated and presented research papers in international and national seminars, publication of research papers in national and international research journals, member of sports boards and selection committee of various sports at DAVV Indore, organization of various state inter-college competition every year. Thank you so much, ma'am, and have a nice day. Over to you, ma'am. Thank you, Utkarsha, for your brief and precise introduction about our guest speaker, Dr. Poonam Kaushik. Now, with due respect, I would like to call upon our guest speaker, Dr. Poonam Kaushik, to share her views, your valuable thoughts with us regarding physical education. Dr. Poonam Kaushik, madam. Thank you, ma'am. First of all, I would like to thank Government Girls PG College Ujjain, the esteemed principal, Dr. Ajniwal sir, the convener of this webinar, Dr. Sangeeta Karlekar ji, the IQSC coordinator, Dr. Neera Tapan ji, and the student introductor, Ms. Utkarsha, for giving me an opportunity to speak upon this important topic in today's scenario, the need and importance of physical education. Before I start, I would like to give a brief introduction of my college where I am teaching. As told, I am Dr. Poonam Kaushik, working as a sports officer since 1999 in Kasturba Gram Rural Institute. This is an esteemed institution which is working under the patronage and guidance of Kasturba Gandhi National Memorial Trust, which was established by Gandhiji himself in the memory of his wife, Kasturba, since 1969. And the college where I am teaching is again a special college, which was established in 1963 under the scheme of National Council of Rural Education. After independence, the then education committees, they experienced this in a need of opening rural colleges to improve the status of rural India. So under that scheme, this was the last 14th college, which was opened only for rural women. And since then, we are following this policy of admitting and giving admission to only rural girls of rural community. We prefer students and girl students from rural areas and those who belong to special categories and to physically handicapped girls. So to proceed with, I would like to talk about need and importance of physical education. But before that, I would like to share my screen and start with the, please ensure that you can see the screen. I hope you can see the screen. No, ma'am. No, okay, I'll just. Just a minute, I will share the screen once again. Hopefully now you can see it. Yes, ma'am. Yes, thank you very much, Mr. Dharmesh. So here is the topic, physical education and introduction and its importance. Sabse pehle, I know that many of you are comfortable with Hindi. Aisa hai na? So I'll be delivering my lecture in Hindi as well as in English. To start with, सबसे पहला ही वाक्य है शरीर माध्यम खलु धर्म संसाधनम, मीन्स
द फिजिक जो आपका शरीर है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्राइम सोर्स ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द ड्यूटीज. जो भी काम आपको अपने करने हैं वो आप शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं. तो शरीर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी हिस्सा है हमारे जीवन का. अगर हम जीवित हैं, इफ वी आर अलाइव, सो वी कैन परफॉर्म आवर ड्यूटीज इफ वी हैव अ गुड फिजिक, इफ वी हैव अ हेल्दी डिजीजलेस फिजिक. हेयर इज वेयर द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन लाइज. आपको अगर अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ, निरोगी, काम करने योग्य बनाए रखना है तो आप किसके माध्यम से कर सकते हैं? वो केवल और केवल शारीरिक शिक्षा के माध्यम से. मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी दैट फिजिकल एजुकेशन नॉट मेयरली कंसिस्ट ऑफ टर्म ऑफ फिजिकल एजुकेशन. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज दैट कम अंडर फिजिकल एजुकेशन. मे बी इट कैन बी स्पोर्ट्स, इट कैन बी फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेस, इट कैन बी योगा, इट कैन बी डांस, इट कैन बी एरोबिक एक्टिविटीज, इट कैन बी एडवेंचर एक्टिविटीज टू, बट दीज ऑल कम अंडर फिजिकल एक्टिविटीज. तो इन फिजिकल एक्टिविटीज को करने के लिए, हमारे को जानने के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है. बट बिफोर दैट अनदर स्टेटमेंट, एजुकेशन विदाउट फिजिकल एक्टिविटीज इज लाइक बॉडी विदाउट सोल. तो यहाँ महत्व आता है कि एजुकेशन क्या है, वॉट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है. शिक्षा जो है, एजुकेशन इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस विच लीड्स टू डेवलपमेंट एंड एनलाइटमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी. तो ये जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इट कैन बी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल. ये सभी एस्पेक्ट्स हैं जो एजुकेशन के अंडर आते हैं. और क्या करना चाहते हैं, ये एक मनुष्य का रचनात्मक तरीके से उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं ताकि उसका विकास हो, वो ज्ञान संपन्न हो, उसको अपना जीवन जो उसके अलग अलग पहलू हैं जिसमें उसका शारीरिक पहलू भी आता है, मानसिक पहलू भी आता है, भावनात्मक पहलू, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलू, ये सब इंक्लूड होते हैं. इन सब का विकास करने का अर्थ, इन सब का विकास करने का लक्ष्य है शिक्षा का. और इस शिक्षा में शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग और महत्वपूर्ण रोल निभा रही है. ये जो एजुकेशन है, ये हमारी एजुकेशन है, इट लीड्स टू एन इंडिविजुअल इंटीग्रेटेड बैलेंस्ड एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट बाय मेकिंग हिम सिविलाइज्ड, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी पोजेसिंग डायनेमिक पर्सनैलिटी. जो ये शिक्षा है, ये चाहती है कि जो एक मनुष्य की रचना हो, जो वो बने, तो उसके अंदर उसका संपूर्ण चहुमुखी चारों तरफ का सही प्रकार से समन्वय और बैलेंस होना चाहिए, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि वो एक सिविलाइज्ड, संपन्न, मैच्योर, एक जिम्मेदार नागरिक बन सके इस समाज का, जिससे कि राष्ट्र का और व्यक्ति का, समाज का उत्थान और विकास हो सके. इस शिक्षा का अल्टीमेट एम क्या है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा. द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट. इस वाक्य का आप ध्यान रखिएगा, कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट. और यही कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट करवाने के लिए, एक मनुष्य का कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट हो, इसके लिए नई शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा को सम्मिलित किया गया है. और मैं मध्य प्रदेश शासन को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और आभारी हूँ उनकी कि आपने इस नई शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में जोड़ा है. बहुत सालों से इट हैज बीन वॉन्टेड वेरी बैडली टू इंक्लूड फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट एट हायर एजुकेशन लेवल. We have seen that physical education has been included as a subject in Central Board of Secondary Examination, CBSE schools. They are teaching physical education and have included this subject from 9th to 12th onwards. This was very desired and need of the demand to include this subject in physical education, in higher education, or
मध्य प्रदेश शासन ने पहल की है इसको एक विषय में सम्मिलित करने के लिए, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। दो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर फिजिकल डेवलपमेंट, एक मनुष्य की शारीरिक विकास हो ताकि उसको एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, सर्वोत्तम स्वास्थ्य मिल सके, उसका मानसिक विकास हो ताकि उसकी मानसिक ताकत बनी रहे। जीवन के बहुत सारे पहलू हैं जिसमें मानसिक शक्ति और मानसिक ताकत की ज़रूरत होती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, एजुकेशन ये भी करना चाहती है ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। कल्चरल डेवलपमेंट करना चाहती है ताकि नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन की जा सके। मनुष्य का बौद्धिक विकास करना चाहती है ताकि वो विचारशील विकास कर सके अपना, युक्तिपूर्ण विकास कर सके अपना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा जो है मनुष्य का संपूर्ण पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहती है और इस डेवलपमेंट को करने के लिए फिजिकल एजुकेशन एक बहुत अच्छा साधन है। फिजिकल एजुकेशन जो आज के समय में बहुत सारे बच्चों के लिए, मैं कहती हूँ कि CBSE स्कूल के बच्चे तो जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, परंतु हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन को इतना नहीं जानते हैं। पिछले 75 वर्षों में ये विषय बहुत बदला है। स्वतंत्रता से पहले इसका स्वरूप अलग था और स्वतंत्रता के बाद इस विषय का स्वरूप बहुत बदल गया है। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि प्राचीन भारत में भी शारीरिक शिक्षा को उतना ही महत्व दिया जाता था, बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि एक शारीरिक रूप से स्वस्थ सुदृढ़ व्यक्ति को ही हर एक चीज़ करने के लिए योग्य माना जाता था। हम श्री राम के उस बात पर, धनुष तोड़ने की उस प्रक्रिया की ओर अगर ध्यान दें तो श्री राम ने धनुष तोड़ करके अपने शारीरिक बल और बुद्धि का उदाहरण दे करके सीता माता का वरण किया था। उसी प्रकार हम देखें महाभारत का युग तो शारीरिक रूप से सबल और मानसिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से प्रबल व्यक्ति ही अपने अपनी योग्यता को पूर्ण कर पाया था, प्राप्त कर पाया था। अब हम बात करेंगे कि शारीरिक शिक्षा क्या है। शारीरिक शिक्षा, जैसे आपको मैंने बताया, ये भी शिक्षा का एक अभिन्न अंग है जो व्यक्ति की परफॉर्मेंस को फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से, शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। बहुत सरल शब्दों में कहें तो शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से प्राप्त की जाती है, क्योंकि ये शरीर की शिक्षा है जो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से की जाती है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ मूवमेंट एजुकेशन, एज लाइफ बिगिंस फ्रॉम मूवमेंट ओनली। ये जो वाक्य है वो ये बताता है कि जो शिक्षा, शारीरिक शिक्षा है हमारी, ये हमारे शरीर से शुरू होती है और शरीर के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। बहुत बारी ये मान लिया जाता है कि शारीरिक शिक्षा की गतिविधि जो है ये केवल कसरत या व्यायाम ही है। नहीं, ये बिल्कुल पूर्णतः गलत है। मानव के जीवन का विकास जो है उसकी क्रियाशीलता, यानी कि उसकी मोबिलिटी, उसकी शारीरिक क्रियाशीलता के ऊपर ही निर्भर है। जो भी कार्य मनुष्य ने किया है, चाहे हम उसके उत्थान से देखें, जब भी मनुष्य धरती पर आया उसके बाद से जैसे जैसे उसकी शारीरिक गतिविधियां, उसकी क्रियाशीलता बढ़ती चली गई, मनुष्य का वृद्धि विकास और उद्धव हुआ है। तो बिना शारीरिक गतिविधि के मनुष्य का विकास संभव नहीं है। आप वो भी स्थिति देख सकते हैं, आपको एक कंपेयर करने के लिए मैं उदाहरणतः बता रही हूँ। मनुष्य है जो पूर्णतः स्वस्थ है और अपने सभी कार्य अच्छी प्रकार से कर पा रहा है, और एक व्यक्ति वो भी है जो कोमा की स्टेट में है और वो बिस्तर पे है। जीवित तो दोनों हैं, पर वो व्यक्ति जो कोमा की स्टेट में है उसकी शारीरिक क्रियाशीलता बिल्कुल शून्य है। तो वहाँ उसका जीवन जीवित होते हुए भी निरर्थक है। और जो व्यक्ति पूर्णतः अपने शरीर का ध्यान दे रहा है,
अपनी शारीरिक क्रियाशीलता को बनाए रखे है उसका जीवन बहुत अच्छा, सफल और बेहतर होता है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जो ये आपकी शारीरिक क्रियाशीलता है, गतिविधि है, ये आपके जन्म से शुरू होती है और आपकी मृत्यु या आपकी जिंदगी के अंत तक रहती है। परंतु ये केवल बच्चे के जन्म से शुरू नहीं होती, ये बच्चे के जन्म से पहले यानी कि उसके माँ के गर्भ में होने के समय से ही हो जाती है। जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के और वहां पे वो अपनी शारीरिक क्रियाशीलता करता है, तो ये कहा जाता है कि उस बच्चे का विकास, जो ग्रोथ है, वो नॉर्मल हो रही है। बच्चे की फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छी है जब वो मूवमेंट करता है। अगर मूवमेंट नहीं करता है तो वो एक अलार्मिंग स्टेज हो जाती है कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब कि कुछ दिक्कत है। तो बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी फिजिकल डेवलपमेंट उसके माँ के गर्भ में शुरू हो जाती है। पैदा होने के बाद उसके घर में, उसके माता पिता के द्वारा, उसके समाज, उसके स्कूल, बड़े होने पर सब तरह की गतिविधियों में चलती रहती है और तब तक चलती रहती है जब तक उसका जीवन है। और अगर हम इस गतिविधि को बंद करते हैं या इसको रोकते हैं तो निश्चित ही डेफिनेटली हमारा फिजिकल डेवलपमेंट और हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट हैम्पर होता है, यानी कि वो प्रभावित होता है। तो मैं ये कहूंगी कि फिजिकल एजुकेशन केवल खिलाड़ियों के लिए या केवल जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे वो गैर खिलाड़ी हो। मुझे आशा है कि इस समय हमारे पास जो सुनने वाले फोक्स हैं, जो प्रतिभागी हैं, वो फिजिकल एजुकेशन के फील्ड के भी हो सकते हैं और नहीं भी। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि फिजिकल एजुकेशन केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं है, जो गैर खिलाड़ी हैं या फिजिकल जो स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, ये विषय वो बच्चे भी ले सकते हैं, ताकि आप ये जान पाएं कि शारीरिक शिक्षा आपके साथ आपका संपूर्ण विकास करने के लिए कार्यरत है। अब हम आगे चलेंगे। ये कुछ परिभाषाएं हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं शारीरिक शिक्षा की, पर मैंने केवल दो ही परिभाषाएं ली हैं। ये परिभाषा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल प्लानिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जो कहती है द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली मेंटली इमोशनली फिट एंड ऑल्सो टू डेवलप हिम पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज दैट विल हेल्प टू लिव happily with others. Physical education program should also aim to build good citizens of the country. ये हमारी भारतीय राष्ट्रीय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी गई परिभाषा है, जो शारीरिक शिक्षा के बारे में ये बता रही है कि ये शिक्षा एक व्यक्ति, एक बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास करना चाहती है, उसका संपूर्ण विकास करना चाहती है, कि उसमें व्यक्तिगत और सामाजिक गुण डेवलप हो सकें, जिससे वो अपना जीवन अच्छे से, खुशी से, सफलता से जी सके और उसको एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके, जिससे कि उसका अपना खुद का और राष्ट्र का भी विकास हो सके। अगली परिभाषा है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के द्वारा दी गई है। फिजिकल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, यानी कि शारीरिक शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा की प्रक्रिया है जो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दी जाती है। एंड इट इज द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड टू इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। और फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक बच्चे का संपूर्ण विकास करना चाहती है, उसका फुल डेवलपमेंट करना चाहती है, चाहे उसकी उसका शरीर हो, उसका माइंड, उसका मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट हो और उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। और ये एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जैसे कि आपको संगीता मैम ने शुरू में कहा था, होलसम डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब उसका चहुमुखी विकास, ऑलराउंड
जिसमें उसके सभी पहलू आते हैं, चाहे वो शारीरिक पहलू हो, चाहे वो मानसिक पहलू हो, भावनात्मक पहलू हो, सामाजिक पहलू हो। आगे बढ़ने से पहले मैं प्लेटो के द्वारा दिए गए कुछ शब्दों को कहना चाहूंगी। क्रियाशीलता की कमी मानव के लिए अच्छी दशा को नष्ट करती है, जबकि गति और सिलसिलेवार ढंग से की गई कसरत इसे बचाती है और इसका संरक्षण करती है। यानी कि हमारे बुद्धिजीवी, उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि मनुष्य की क्रियाशीलता बनी रहनी चाहिए। जहाँ जब भी मनुष्य की क्रियाशीलता कम होती है तो उसके शरीर की अच्छी दशा नष्ट होने लगती है, यानी कि शरीर बीमार होने लगता है, शरीर जंग लगने लगती है, शरीर की कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और जब आप सिलसिलेवार ढंग से सभी शारीरिक गतिविधियां और क्रियाएं करते रहते हैं तो ये गतिविधियां आपके शरीर का संरक्षण करती हैं, ये आपके शरीर को अच्छा बनाए रखती हैं, उसको बेहतर बनाए रखती हैं। तो मेरे अभी तक की चर्चा का उद्देश्य यही था, ये आपको बताना कि शारीरिक गतिविधि और शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम मनुष्य का संपूर्ण विकास करने का उद्देश्य रखते हैं। तो आप थोड़ा बहुत तो समझ ही रहे होंगे कि शारीरिक शिक्षा मनुष्य के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल एजुकेशन के, यानी कि जो पूरा एक लक्ष्य है होलसम डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, उसके बाद आ रहा है कि उसके छोटे छोटे उद्देश्य क्या हैं, किन चीजों के माध्यम से एक मनुष्य का होलसम डेवलपमेंट हो सकता है। तो सबसे पहला उद्देश्य है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा निश्चित ही शरीर की शिक्षा है शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव रहता है शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शरीर का विकास करना। शरीर का विकास करने से मतलब है आपके शरीर का आंतरिक और बाह्य विकास, मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। फिजिकल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स आपका टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, द वे यू स्टैंड, द वे यू वॉक, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, मतलब आपका अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, आपका कद काठी अच्छा है, आपके खड़े होने का तरीका क्या है, आपका बात करने का तरीका क्या है, ये सब चीजें आपके एक्सटर्नल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। और आंतरिक रूप से आपका शरीर, जिसके अंदर बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे सिस्टम्स आपके शरीर में काम कर रहे हैं, उनका भी कार्यशैली, उनकी भी कार्य क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत विकसित होनी चाहिए। तो नियमित शारीरिक गतिविधियां और फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से आप अपने शरीर का इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देन कम्स मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके शरीर का केवल शरीर ही काम करता रहे, पर उसके साथ साथ आपका मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। मतलब आपके सोचने और समझने की क्षमता, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी बहुत बेहतर होनी चाहिए, आप सही प्रकार से वाइज डिसीजन ले सकें, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में चयन करके आप सही निर्णय ले सकें, आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को बहुत स्किलफुली सॉल्व कर सकें, हैंडल कर सकें। तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न शारीरिक शिक्षा की क्रियाशील गतिविधियों के माध्यम से आपके अंदर ये सब क्षमताएं भी डेवलप करती है। क्योंकि खेल में एक जैसी प्रतिक्रिया, एक जैसी सिचुएशन कभी भी नहीं रहती, एक्सरसाइजेस भी एक जैसी नहीं होती हैं कभी भी, सभी अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशंस खेल के सिचुएशन में आती हैं, जिससे कि आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, आपकी मेंटल अलर्टनेस बढ़ती है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपकी जो मोमेंट्स हैं वो भी बेहतर और अच्छी होती हैं, और इसके माध्यम से आपका जो दिमाग है वो तेज होता है और बहुत अच्छे से कार्य करने की क्षमता रखता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल डेवलपमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अकेला वो जीवन नहीं बिता सकता। तो उसके अंदर जो तरह तरह की
सामाजिक भावनाएं होती हैं, बिलोंगिंगनेस है, एडजस्टमेंट ऑफ ग्रुप लिविंग है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, रिकग्निशन है, फ्रेंडशिप है, कोऑपरेशन है, कर्टेसी, इस तरह की भावनाएं जो हैं वो मनुष्य में होनी चाहिए। और शारीरिक शिक्षा बखूबी इन सब भावनाओं को विकसित करने में, डेवलप करने में बहुत हद तक सफल है। यही चीज है कि ये टीम इवेंट है, शारीरिक क्रियाकलाप, खेल की गतिविधियां जो भी हैं, इसमें आप बहुत सारी गतिविधियां अपने साथियों के साथ, अपने टीम के साथ करते हैं, उनके साथ मिलजुल के करते हैं, जिससे कि आपके अंदर ये सामाजिक भावनाएं विकसित होती हैं। एक दूसरे के लिए आदर की भावना, एक दूसरे से जुड़े रहने की भावना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की भावना, दोस्ती की भावना, ये सब भावनाएं आप खेल की स्थिति में अच्छे तरह से देख सकते हैं। कोई भी आप टीम उठा करके देख लीजिए, अभी प्रेजेंटली IPL शुरू हुआ है, इसमें भी आप देखिए, कोई भी टीम देखिए, वो जब भी खेलती है तो उनके अंदर ये सब सामाजिक भावनाओं के साथ ही वो खेलते हैं। किसी भी खेल में, टीम में किसी भी प्रकार का जातिवाद नहीं होता है, एक दूसरे के साथ पूरी कोऑपरेशन से, पूरे तालमेल के साथ और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ एक खिलाड़ी भाग लेता है। अगला ऑब्जेक्टिव है इमोशनल डेवलपमेंट। भावनाएं भी बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं मनुष्य के जीवन में, और खेल और शारीरिक शिक्षा के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को भी बहुत अच्छे से विकसित कर सकते हैं, इनका विकास कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम होता यह है कि हम लोग अपनी भावनाओं के अधीन हो जाते हैं और हम भावनाओं में बह जाते हैं, पर फिजिकल एक्टिविटीज आपके इमोशनल डेवलपमेंट करती है, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। प्लेइंग सिचुएशंस में हार जीत होती रहती है, आप हारते हैं तो भी आपका आगे खेलने का और जीतने का जज्बा बना रहता है। इसी यही चीज जो है आपके जीवन में भी आगे काम आती है, चाहे हार आए हमारे सामने तब भी हमको आगे बढ़ते रहना है, हार नहीं माननी है, अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखते हुए, सही फैसला करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आगे है मॉरल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन मॉरल डेवलपमेंट भी करती है, किस प्रकार से ये मैं आपको बताती हूं। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं, खेल खेलते हैं जब आप, तो यू हैव टू अंडरगो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत सारे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट्स आपको फॉलो करने होते हैं जब आप प्लेइंग फील्ड में होते हैं। वंस यू आर इनसाइड द प्ले फील्ड फॉर अ कॉम्पिटिशन, आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, आप कोई भी अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की गतिविधियों से आपके अंदर बहुत सारी खूबियां पैदा होती हैं जो आपका मॉरल डेवलपमेंट करती हैं। अब हम आएंगे अपने इस टॉपिक के मेन पार्ट पे, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले देखें तो फिजिकल एजुकेशन के प्रेजेंट सिनेरियो में आवश्यकता क्यों है। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो युग है, ये जो समय है, ये टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पर मनुष्य आजकल मशीनों का अधीन हो गया है। जो शारीरिक बल है मनुष्य का, जो मानव का बहुत बड़ा धन है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। Why? Because we are using the machines, जो हमारे मैक्सिमम काम है वो हम कम समय में लगाते हुए और कम खर्च करते हुए आसानी से कर पाते हैं। और इसका हश्र क्या होता है, इसका हश्र होता है कि हमारा मानव के जो शरीर की शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगी है और बेकार होने लगी है, और हमारी क्रियाशीलता कम होती जा रही है। तो ये मैंने आपको पहले भी आगाह किया है कि हम जैसे जैसे अपनी शारीरिक क्रियाशीलता को कम करते चले जाएंगे, हमारा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा और खराब होता चला जाएगा। तो टू मेंटेन अ गुड हेल्थ यू नीड फिजिकल एजुकेशन। रेगुलर सिस्टमैटिक की हुई फिजिकल एक्टिविटीज आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देती हैं, अच्छा शरीर प्रदान करती हैं। बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जो आप नियमित शारीरिक गतिविधियां करने के माध्यम से आप उनको रोक सकते हैं, आप एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेज हैं
जो हम शारीरिक गतिविधियों को करने के माध्यम से हम रोक सकते हैं, जैसे आपका डायबिटीज है, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस हैं, बहुत सारे मस्कुलर डिजीजेस हैं, जिनको हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो हम उनसे बच सकते हैं। तो ऑन द होल हम कहें तो यू कैन अचीव अ गुड हेल्थ विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यू हैव इम्प्रूव्ड फिटनेस, आपका शारीरिक स्वस्थता स्तर जो है वो शारीरिक गतिविधियां करने से बेहतर होता है, बढ़ता चला जाता है। आपके हार्ट की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, आपके शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, यानी कि हम कहें तो हमारे शारीरिक का क्रियाशीलता, शारीरिक बल, शारीरिक ताकत, शरीर का लचीलापन, ये सब घटक जो हैं फिटनेस के, इनमें वृद्धि होती है। और इनके बढ़ने से आपके जो आंतरिक तंत्र हैं, जैसे आपका हृदय है वो अच्छे से काम करने लगता है, आपके जो फेफड़े हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं, आपके फेफड़ों में बहुत अच्छे से श्वास भरती है, लंबी गहरी श्वास भरती है, आपका रक्त प्रवाह जो है वो आपके शरीर में बढ़ जाता है। इस प्रकार से देखें तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भोजन आप खाते हैं वो बहुत अच्छे से पचता है, और अल्टीमेटली देखें तो ये सब चीजें जो हैं आपके फिटनेस को इम्प्रूव करती हैं, आपकी शारीरिक कार्यक्षमता को बहुत सुधार होता है और बढ़ती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है फिजिकल एजुकेशन से, यानी कि मनुष्य का बौद्धिक विकास भी फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से संभव है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपको बहुत सारे नई नई चीज़ों को जानने का मौका मिलता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको सीखने को मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है जो अन्य दूसरे विषयों में आपको नहीं मिलती। तो इसके माध्यम से आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, आपका बौद्धिक तंत्र जो है उसको बल मिलता है, और इसके कारण आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। अभी भी देखें बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो खेलने में रुचि तो नहीं रखते पर खेल देखने में रुचि रखते हैं। तो जो खेल देखने में भी रुचि रखते हैं तो उनका भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स भी जो है फिजिकल एजुकेशन का एक हिस्सा है। आप क्रिकेट के मैचेस देखते हैं, फुटबॉल के मैचेस देखते हैं, आप थोड़ी बहुत स्किल तो देखते ही हैं, सीखते भी हैं, और उसके साथ साथ उसके रूल्स रेगुलेशंस भी आपको वहां सीखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल एजुकेशन वी कैन डेवलप आवर पर्सनालिटी आल्सो। हियर आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन दैट ऑल द सेलिब्रिटीज, आप किसी भी सेलिब्रिटी को उठा के देख लीजिए, इवन आर Prime Minister of our esteemed Prime Minister of our country, Sri Narendra Modi, he also has a very good personality. पर उनकी personality का राज उनका काम करना है, साथ के साथ उनकी personality का राज भी शारीरिक क्रियाकलाप है, शारीरिक गतिविधि है। Maybe it can be yoga or physical exercises. He also regularly does regular exercises. आप कोई भी celebrity, प्लेयर्स, मॉडल्स को देख लें, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है फिजिकल एजुकेशन की गतिविधियों के माध्यम से। किसी ना किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि में जब भी आप अपने आप को संलग्न करते हैं या शामिल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एक अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनती है, साथ के साथ आपका बातचीत करने का ढंग इम्प्रूव होता है, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आप लोगों के बीच में बात कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी से लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं। तो शारीरिक शिक्षा ये भी करने का उद्देश्य रखती है। इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि शारीरिक शिक्षा जो है बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मुहैया उपलब्ध कराती है जिससे कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि खेल में जीतना और हारना दोनों ही शामिल होते हैं और ये हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। पर हमें फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना
सीखने को मिलता है और हम अपना इमोशनल डेवलपमेंट कर पाते हैं। सामाजिक विकास भी मैंने आपको जैसे बताया था कि सामाजिक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से डेवलप होता है फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से। अभी के समय में भी हम देखें तो हमारा सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कोविड के फेज में हमने बहुत सारी ऐसी परेशानियां देखी हैं जिसमें हमारा सामाजिक जो समायोजन है मनुष्य का आपस में वो टूटा है, पर ये परिस्थितियां ऐसी थी। परंतु हम फिर भी कहेंगे शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों के माध्यम से आपके अंदर बहुत सारे मेल मिलाप के अवसर आपको मिलते हैं जिससे हमारे सामाजिक गुणों का विकास होता है। हमारे अंदर खेल भावना, ईमानदारी, मित्रता, भाईचारा, सेल्फ डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इस तरह की भावनाएं विकसित होती हैं जो एक अच्छे समाज को बनाने में और अच्छे सामाजिक समायोजन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो शारीरिक शिक्षा हमारा सोशल डेवलपमेंट भी करती है। रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉनिक इलनेसेस, ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया। हमारे जितने भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, ये सभी डिजीजेज आजकल के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इफ़ यू डोंट फाइंड टाइम फॉर एक्सरसाइजिंग, यानी अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, देन यू बी रेडी फॉर इलनेसेस, मतलब आप बीमारियों के लिए तैयार रहें। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं तो निश्चित ही बीमारी आपके पास आएगी। अगर आप इन बीमारियों को अपने से दूर रखना चाहते हैं तो आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करना चाहिए। जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, हमारा हाई ब्लड प्रेशर है, हमारा डायबिटीज है, हमारे कोरोनरी हार्ट डिजीजेस हैं, कैंसर है, हमारे बोन से रिलेटेड डिजीजेस हैं, ये सब डिजीजेस लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से शुरू होते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ आपने एक्सरसाइज कम करना शुरू किया, आपके शरीर के अंदर की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हुई और आपके ब्लड कैपिलरीज में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है और वहाँ से ये बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। और इन सब बीमारियों को अपने से दूर रखने के लिए आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। फिजिकल एजुकेशन से बहुत सारे अवसर आपको मिलते हैं जिसमें आप अपना आत्मविश्वास की वृद्धि कर सकते हैं, आप अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं, आपके अंदर वफादारी, ईमानदारी, समर्पण और साधन संपत्ता जैसे गुण विकसित होते हैं। तो इन गुणों के माध्यम से आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ये भी आप देखेंगे जो मनुष्य या जो लोग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं, ग्रेजुअली डेवलप हो जाती हैं। वो नेतृत्व क्षमता उनमें विकसित होती है और आगे बढ़कर किसी भी चीज में हिस्सा लेते हैं। वो कोई भी तरीका हो, कोई भी खेल का मैदान हो या आपका सामाजिक पहलू हो, उसके अंदर वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो आपका लीडरशिप क्वालिटीज भी फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से डेवलप होती हैं। कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लेजर टाइम। आजकल के समय में हमारे बच्चे और हम लोग भी कहना चाहिए, हम अपना खाली वक्त जो है अपने मोबाइल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स पे बिताते हैं, मोबाइल्स पे शायद ज़्यादा बिताते हैं, जो कि बहुत गलत है और ये फिर से बहुत सारी बीमारियों को न्योता देते हैं। और शारीरिक शिक्षा जो है, फिजिकल एजुकेशन है, इट टीचर्स यू टू यूज योर लेजर टाइम कंस्ट्रक्टिवली, मतलब आप अपने खाली समय में शारीरिक गतिविधि कीजिए, किसी ना किसी खेल में हिस्सा लीजिए, कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि कीजिए। आप अपने लैपटॉप, टीवी का उपयोग, अपने मोबाइल का उपयोग एरोबिक एक्सरसाइजेस देख करके एक्सरसाइज करने में साथ में कीजिए, तो आपका खाली समय अच्छे से बीतेगा, अच्छे से कंस्ट्रक्टिव यूज होगा उसका। इससे आपका खाली समय अच्छे से बीतेगा भी और आपके शरीर की एक्सरसाइज भी होगी और आपको फिजिकल एजुकेशन के फायदे भी मिलेंगे। खेल एक बहुत ही अच्छा साधन है जो आपके खाली समय का बहुत अच्छे से उपयोग करना सिखाता है।
आपकी जो फालतू ऊर्जा है वो एक बहुत सही तरीके से आपके शरीर से बाहर निकलती है और इससे आपको खुशी होती है। आपके अंदर जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो टेंशन है, वो भी फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से उनको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट है बिल्ड टीम कोऑपरेशन एंड कोहेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि फिजिकल एजुकेशन जो है थ्रू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज को डेवलप करती है जो है कोऑपरेशन एंड कोहेशन। एक समूह के अंदर एक दूसरे के साथ समायोजन बना के रखना, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सब चीजें शारीरिक शिक्षा खेलों के माध्यम से बखूबी सिखाने की कोशिश करती है और बहुत अधिक बहुत स्तर तक सफल भी होती है। तो हम बहुत सारी चीजें हैं जो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। अगला बिंदु यहाँ पे नहीं है पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट भी है जो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं वो हमारी मसल्स को और नर्वस सिस्टम के अंदर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना सिखाती हैं। जो हमारी न्यूरोपेशी कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा होता है, हमारी जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं, जिससे कि हमारी जो ऊर्जा है वो कम लगती है और हम अधिक स्तर तक काम कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन न केवल हमारे शरीर का, हमारे पर्सनालिटी का, हमारे भावनाओं का, हमारा सामाजिक विकास करना चाहती है, बल्कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने में भी बहुत हद तक मदद करती है। हम जैसे भारत जैसा देश है जिसमें बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी नस्लें हैं और भाषाएं हैं, पर खेल के मैदान में ये चीजें काम नहीं करती। खेल के मैदान में केवल राष्ट्रीयता की भावना ही काम करती है, वहां पे कोई धर्म मायने नहीं रखता है, वहां पर केवल एक टीम काम करती है, यानी कि वो भारतीय टीम है। आप ये देखेंगे कि अपने कॉलेज की टीम में भी अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले के बच्चे होते हैं, पर जब वो कलेक्टिवली खेलते हैं तो वो एक टीम होती है। यही भावना को अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अलग अलग धर्मों के खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, पर वहां धर्म मायने नहीं रखता, वहां केवल राष्ट्रीयता मायने रखती है कि ये भारत की टीम है और हम भारत के लिए खेल रहे हैं। इसके साथ साथ आर्थिक उपाय मतलब इकोनॉमी को बढ़ाने में भी फिजिकल एजुकेशन बहुत हद तक मदद करती है। ये एक थोड़ा सा व्यावसायिक पहलू है फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन केवल एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से बहुत सारे व्यवसाय हैं जो आप लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाती हैं, बहुत सारे किट बनाते हैं, साथ ही बहुत सारा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाता है जिस जो राष्ट्र के लिए एक एसेट होता है। बहुत सारी अलग अलग टीम्स की किट होती हैं, अलग अलग प्रकार की, जो आपके खिलाड़ी पहनते हैं। तो इसके माध्यम से आप अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ये सब बिंदु आप लोगों को स्पष्ट होंगे। और संगीता दीदी, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या इतना काफी है कि मैं और आगे बताऊं? हेलो, ठीक है? हेलो हेलो, हाँ पूनम, पूनम मैडम, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि आप ये नई शिक्षा नीति में जो फिजिकल एजुकेशन ऐड हुआ उसके ऊपर थोड़ा सा और प्रकाश डालें। जी, तो नई शिक्षा नीति, मैं यहाँ अपनी स्लाइड को बंद कर रही हूँ। ओके ओके, हाँ, तो नई शिक्षा नीति में जो हमने पाठ्यक्रम अभी बनाया है वो आपका जो शारीरिक शिक्षा का जो विषय है ये वैकल्पिक विषय में जोड़ा गया है, जिसमें कि किसी भी संकाय, किसी भी प्रोग्राम के बच्चे इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं।
ये तो शायद आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि जो बाइफर्केशन है सब्जेक्ट्स का वो है मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट, स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट, इंटर्नशिप, ये पांचवा है। तो मेजर माइनर सब्जेक्ट में आप अपने जो भी विषय आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी आर्ट्स के लिए सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, साइंस के लिए सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कॉमर्स के प्रोग्राम के लिए भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, पर फिजिकल एजुकेशन जो एक सब्जेक्ट है ये आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे इस सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। कोई भी ले सकता है, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन पढ़ा हुआ है चाहे नहीं भी पढ़ा हुआ है, चाहे वो खिलाड़ी है चाहे वो नहीं है। ये जो पूरा कोर्स है ये 40 क्रेडिट्स का है और ये आप चाहें तो 3 साल इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ईयर में जो हमने सिलेबस कंस्ट्रक्ट किया है आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, उसके अंदर हम आपको शारीरिक शिक्षा का परिचय देने वाले हैं। भाई शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आपको शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य, इसका महत्व और इसके व्यावसायिक विकल्प, इन सब चीजों के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। मैं देखती हूँ अगर मेरे पास सिलेबस अगर अवेलेबल हो जाए तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में सूचना देती हूँ। हाँ, पर ये चीज जरूर है कि ये सब्जेक्ट पढ़ के आप इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। मैं आपको अभी इस तरह से ये जो सब्जेक्ट है ये ऑन दी होल जो पूरा प्रोग्राम है उसमें तो 40 क्रेडिट्स का है, पर फिजिकल एजुकेशन यानी कि इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स है वो 6 क्रेडिट्स के हैं, जिसमें 6 क्रेडिट्स में आपको 4 क्रेडिट्स में आपको थ्योरी और 2 क्रेडिट्स में आपको प्रैक्टिकल पार्ट की जानकारी दी जाएगी। और बेसिकली आपको फर्स्ट ईयर में जो है आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन जो है उसी के बारे में जानने को मिलेगा कि फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से आप इसके व्यावसायिक विकल्पों के बारे में जान सकेंगे, आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कौन से साधन हैं जिसके माध्यम से, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, कौन से फिटनेस ट्रेंड्स हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। हमने एक नई चीज भी जोड़ने का प्रयास किया है जिसके अंदर आपको यूनिसेफ के बारे में भी जानने को मिलेगा। यूनिसेफ के द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय कॉन्सेप्ट है जो प्ले फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इसके लिए घबराएं नहीं, आप डरे नहीं, क्योंकि आपके टीचर्स आपके साथ रहेंगे जो आपको इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान देंगे और समझाएंगे। आपको जहां पे भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही हम आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। फिजिकल एजुकेशन में बेसिक एक्सरसाइजेस, बेसिक फिटनेस एक्सरसाइजेस, हाउ टू डेवलप फिटनेस, बेसिक गेम्स की जानकारी आपको मिलेगी जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो अब इसके साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। आप लोगों के कोई क्वेरीज हो, कोई प्रश्न हो, कोई चीज आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू पूनम मैडम। आज जो शारीरिक शिक्षा के ऊपर आपने एक बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया है, उससे निश्चित ही हमारी जो छात्राएं इस सेमिनार को अटेंड कर रही हैं उन्हें शारीरिक शिक्षा के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस उनके काफ़ी दूर हो चुके होंगे और वो अपनी बहनों को इस सब्जेक्ट को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में लेने के लिए प्रेरित करेंगी। थैंक्स डॉक्टर पूनम कौशिक मैडम for your inspiring and valuable presentation. Your depth of knowledge and ability to present in such a interesting way is really admirable. Thanks a lot for sharing your knowledge. अब मैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए
महाविद्यालय के तेजस्वी एवं नवागत प्राचार्य डॉक्टर अनिजवाल सर को आमंत्रित कर रही हूँ। बहुत ही सम्मान के साथ डॉक्टर अनिजवाल सर। धन्यवाद मैडम आज के इस वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के समय में शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण अपना एक स्थान रखता है। हम अन्य प्रकार की शिक्षा में तो भाग लेते हैं लेकिन शायद शारीरिक शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं और उसी के कारण आज की स्थिति में ये परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम कई व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं। आज के समय में नई शिक्षा नीति में भी शारीरिक शिक्षा को शामिल करने के पीछे यही उद्देश्य है कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक शिक्षा की ओर अग्रसर हों और अपने को फिजिकली मेंटेन कर पाए, क्योंकि आज से भी हम दो दशक पहले या एक दशक पहले की बात करें तो शायद निश्चित रूप से विद्यार्थी या सारे सामाजिक परिवेश जो व्यक्ति निवास करते हैं सारे व्यक्ति कहीं ना कहीं फिजिकली एक्सरसाइज में ज़्यादा रुचि लेते थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हम मोबाइल में नेट बैंकिंग में इंटरनेट पर इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे पास शायद शारीरिक शिक्षा के लिए हम समय पर्याप्त मात्रा में नहीं निकाल पाते हैं। आज का ये जो विषय निश्चित रूप से इस विषय से विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और मैं डॉक्टर पूनम कौशिक क्रीड़ा अधिकारी कस्तूरबा ग्राम इंदौर को भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने बड़े ही अच्छे ढंग से इस विषय को रेखांकित किया और निश्चित रूप से हमारे सारे विद्यार्थी या जो भी व्यक्ति इस सेमिनार या वर्कशॉप से जुड़े हुए होंगे वो इससे लाभान्वित होंगे और कहीं ना कहीं अपने शारीरिक शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। मैं पुनः आप सभी कैंडिडेट को जो भी विद्यार्थी से जुड़े हैं उन सभी को और साथ साथ में डॉक्टर पूनम कौशिक क्रीड़ा अधिकारी को महाविद्यालय परिवार की ओर से प्राचार्य की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने समय निकाल कर एक इस विषय पर सभी से चर्चा की और कार्लेकर मैडम का भी धन्यवाद कि आपने आज के परिप्रेक्ष्य में जो विषय है उस विषय पर आपने ये एक अच्छा आयोजन किया। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद महाविद्यालय परिवार की ओर से देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। निश्चय ही हमने आज का इस वेबिनार आपके उत्कृष्ट मार्गदर्शन में आयोजित किया है। मैं आपको पुनः पुनः धन्यवाद देती हूँ। अब मैं कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में आभार प्रदर्शन के लिए महाविद्यालय की प्राध्यापिका एवं क्रीड़ा समिति की चेयरमैन डॉक्टर साधना निर्भय मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद संगीता, इस महत्वपूर्ण वेबिनार में तुमने मुझे आभार के लिए बोला उसके लिए बहुत बहुत तुम्हें भी धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूनम कौशिक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत शारीरिक शिक्षा के महत्व और आवश्यकता पर अपनी बहुत अच्छी जानकारी प्रेषित की। उनके लिए हम हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य के भी आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने इस वेबिनार को करने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया और अनुमति दी, इसलिए मैं अपने प्राचार्य अनिजवा सर की बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं डॉक्टर नीता तपन की भी आभार व्यक्त करती हूँ जिनके बैनर तले हमने वेबिनार किया और जिन्होंने महाविद्यालय की जानकारी दी। मैं इस वेबिनार से जुड़े सारे सभी क्रीड़ा अधिकारी एवं हमारे प्राध्यापकों को भी धन्यवाद अवगत करते हैं, उन्होंने जोड़कर इस महाविद्यालय के इस वेबिनार को सफल बनाया। पुनः सबका आभार, धन्यवाद।
फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में शेयर की जा रही है, कृपया आप फीडबैक लिंक फिल करने के बाद ही YouTube छोड़ें। जैसा कि आपको धर्मेश सर ने बताया, फीडबैक लिंक शेयर की गई है चैट बॉक्स में। उस फीडबैक लिंक फॉर्म को भरने के पश्चात ही आप अपने ई सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर पाएंगे। संगीता दी, हेलो। हाँ संगीता दी, मैं लीव कर सकती हूँ सेशन? ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया लेक्चर, बहुत बढ़िया, हाँ एंजॉय किया, बहुत अच्छा। ओके 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 दीदी, ओके। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण फीडबैक लिंक YouTube पर शेयर नहीं हो पा रही है। इस कारण फीडबैक लिंक WhatsApp ग्रुप पर अवेलेबल करा दी जाएगी।